हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, आज हम ईवीएस करेंगे। ईवीएस में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 फूड पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है ना। तो आप पेज नंबर 28 निकालो और बुक के एक्सरसाइज को आज हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड। इनमें से एनर्जी गिविंग फूड क्या है, तो हम ब्रेड पे टिक करेंगे, ठीक है। Which one of these is a vegetarian food? इनमें से वेजिटेरियन क्या है, ठीक है। तो वेजिटेरियन देखिए, मीट तो नॉन वेजिटेरियन हो गया, फिश भी नॉन वेजिटेरियन है, तो पनीर पे हम टिक करेंगे। थर्ड है विच वन ऑफ दीज इज अ नॉन वेजिटेरियन फूड। तो राइस वेजिटेरियन है, मीट नॉन वेजिटेरियन है और मिल्क वेजिटेरियन है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज अ फास्ट फूड। इनमें से फास्ट फूड क्या है, तो पिज्जा। We should not eat dash food. हम लोगों को कौन सी खाना नहीं खाना चाहिए, हम लोगों को स्टेल खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फ्रेश खाना चाहिए और टेस्टी भी खाना चाहिए। आइए पेज नंबर 29 में क्या है देखिए। टेक द करेक्ट गिवन सॉरी करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सही है उसको हमें टिक करना है। फूड मेक अस हेल्दी सिक। फूड हमें हेल्दी रखता है या फिर बीमार करता है, तो हमें हेल्दी रखता है, इसलिए हम हेल्दी पर टिक करेंगे। सेकेंड है मिल्क कम्स फ्रॉम एनिमल्स। दूध कहाँ से आता है, एनिमल्स से। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट। जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो मांस की चीजें तो नहीं खाएंगे। और फिश क्या है, मांसाहारी है, तो हम फिश पे यहाँ टिक करेंगे। फास्ट फूड आर नॉट बैड गुड फॉर हेल्थ। फास्ट फूड हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या खराब है, तो खराब है, तो यहाँ हम करेंगे गुड, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। वी शुड नॉट ईट डैश सॉरी कवर्ड अनकवर्ड फूड। हमें ढका हुआ या बिना ढका हुआ खाना खाना चाहिए, तो हमें ढका हुआ खाना चाहिए, यहाँ नॉट लगा है, इसलिए हम अनकवर्ड को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है। कलर द सर्कल ग्रीन फॉर द फूड दैट आर वेजिटेरियन एंड रेड फॉर द फूड दैट आर नॉन वेजिटेरियन। कहा जा रहा है कि यहाँ जो सारे फूड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको ग्रीन कलर करना है जो फूड हमारा वेजिटेरियन है, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलते हों, ओके। और रेड करना है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, मीन्स जो नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ मिल्क को हम करेंगे किससे, ग्रीन से। तो आपको यहाँ मैं जी लिख दे रही हूँ, मतलब आपको ग्रीन से करना है। एग्स क्या है, एग है हमारा नॉन वेजिटेरियन, तो हम इसे रेड से करेंगे। चपाती हमारा वेजिटेरियन है, तो इसे ग्रीन से करेंगे। ब्रेड वेजिटेरियन है, ग्रीन से करेंगे। बटर वेजिटेरियन है, ग्रीन से करेंगे। चिकन नॉन वेजिटेरियन है, रेड से करेंगे। और दाल जो है वो ग्रीन से करेंगे, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है। और फिश हमारा हो गया सॉरी दाल हमारा वेजिटेरियन है, इसलिए ग्रीन से करेंगे। और फिश हमारा हो गया नॉन वेजिटेरियन, इसे हम रेड से करेंगे। और आपको एक चीज जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी पैकेट के सामान हम खाने वाले खरीदते हैं, ठीक है, केक हो गया या फिर कुरकुरे वगैरह जो भी आप खाते हो, तो उसमें आप जरूर देखना कि आपको वहां पर शो किया रहता है कि आप जो खा रहे हो वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इस तरह का बना होता है। अगर ये हमारा रेड कलर से बना हुआ है तो वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, और इसमें अगर ग्रीन कलर किया हुआ है तो ये वेजिटेरियन है। तो आप अब से केक खाने से पहले या किसी भी पैकेट खाने वाले पैकेट को खाने से पहले इस पे गौर जरूर कीजिएगा कि कौन सा पैकेट वेजिटेरियन है, कौन सा नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो आपको कॉपी में ये सारी चीजें नहीं लिखने हैं, आपको कॉपी में सिर्फ स्पेलिंग और क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। थैंक यू।